ज्ञान सेतु में आपका स्वागत है। आप जो है इसे YouTube में ज्ञान सेतु बाई MS भी करके सर्च कर सकते हैं। और इसमें जो है आज हम लेनी है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन करेंगे। पहला चैनल जो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करना, और अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें कहा गया रेशमा विशेष टू टू टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे रेशमा को क्या है, पी और क्यू दो प्रकार के जो है यहाँ पे फूड बनाने चाहती है। पी टाइप का फूड है कोई, और जो है फूड क्यू इनको बनाना चाहती है। तो उसको इस तरीके से बनाना चाहती है कि जो मिक्सचर है उसमें एटलीस्ट क्या हो, 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कम से कम 8 यूनिट, उससे ज़्यादा वो कितना भी हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन बनेगी। एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, विटामिन यू बी की भी यूनिट क्या होती है, एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 11 यूनिट होनी चाहिए। और जो है फूड पी की जो कॉस्ट है वो है ₹60 पर केजी, पर केजी वो 60 के हिसाब से है, और क्यू है जो है वो 80 के हिसाब से है ना। और जो इसमें बता रहा है फूड पी जो है वो कंटेन्स करता है 3 यूनिट जो है पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। उसमें जो है विटामिन ए पर केजी में 3 यूनिट है, और जो जब हम उसको बनाते हैं फूड पी को तो उसमें क्या होता है कि पर केजी जो है 5 यूनिट विटामिन बी है। और अदर हैंड जो जो फूड क्यू है उसमें क्या है, 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी है। तो कह रहे डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे जो है हमें जो कॉस्ट दी हुई है इसी के जो है मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, ऊपर यहाँ पे बीच में हमें कॉस्ट दी हुई है, और जो बाकी है उनको हम इसको इस जो है मेन कंडीशन जो कॉस्ट को हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को ऑफ द मिक्सचर को। और जो है और जो ये जो नीचे की ये कंडीशंस हैं ये भी यहाँ पे जो होती है पूरी की पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है। तो इसमें क्या कह रहा है, रेशमा विशेष टू टू टाइप ऑफ मिक्सचर है। अब उसकी कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना हो, और जो है कि हमारी जो है रिक्वायरमेंट जो 8 यूनिट और 11 यूनिट की वो भी पूरी हो जाए पर केजी के हिसाब से, इतना होना चाहिए। और क्या कहते हैं, और कॉस्ट भी मिनिमम मिलनी चाहिए, और हमारी जो है ये विटामिन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होने के लिए हमें कितना पी और क्यू फूड को जो है कंज्यूम करना पड़ेगा या कितना लेना पड़ेगा कि जो हमें कॉस्ट मिनिमम पड़े, है ना, और हमारी जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है ये भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो पहली लाइन आ जाएगी, लेट द मिक्सचर, क्या कहता है, लेट द मिक्सचर कंटेन्स है ना एक्स केजी ऑफ फूड, क्या होगा पी, फूड पी का जो है हम एक्स केजी यूज करते हैं, एंड वाई केजी ऑफ फूड क्यू, और फूड क्यू को हम वाई केजी यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कि कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो होगा एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो हम फूड लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो 0, लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो ये जो x और y जो ये हैं, ये दोनों हमारी जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने इनको माना, तो ये क्या होंगे ये क्या हो सकते, 0 नहीं हो सकते। अब जो ये कंडीशन है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। हमने टेबल बना दी, ये फूड पी है, क्यू है, और ये रिक्वायरमेंट हमें कितनी है, और जो है इधर हमारी कॉस्ट आ गई विटामिन ए और बी। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा था,
आपकी जो विटामिन ए है उसकी जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, 3 यूनिट है पर के ही उसमें जो बैठता है, और 5 यूनिट क्या होता है हमारे पास उसमें विटामिन ए हो, ठीक है। और जो है तरीके से 4 एंड 2, अब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कह रहा था विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है टोटल वो कितनी होनी चाहिए, पर केजी 8 यूनिट होनी चाहिए और यहाँ पे 11 जो यूनिट होना चाहिए, 1 केजी में इतना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और इधर हमें क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, 60 रुपीज़ पर केजी था और ये 80 रुपीज़ पर केजी। अब हम इसके बेस में क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा यहाँ पे जो हमारा ये आ गया, तो देयर फोर जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी तो क्या होगा, पहले तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जेड इज इक्वल टू 60x प्लस 80y, ये हमने x केजी लिया था और ये y केजी हमने इसको लिया था, तो कितना आ जाएगा 60x और 80y हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है कि कॉस्ट कम से कम बैठे। अब इसमें क्या है, अब जब इक्वेशन बनेगी तो विटामिन ए के लिए जो हमारा, देखो विटामिन ए वाला देखेंगे तो उसमें क्या होगा, विटामिन ए हमारा जब इसमें एक्स के जी यूज करा तो पर के जी जो है 3 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 3x, है ना, यहाँ पे आएगा सब्जेक्टेड टू, है ना। अब 3x प्लस इसमें कितना आ जाएगा 4y। अब उसने कहा था एटलीस्ट, कहा था एटलीस्ट का मतलब कि ये 8 होना चाहिए या उससे ज्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन 8 से कम नहीं होना है, कम से कम 8, ठीक है, इसका मतलब है कम से कम 8, उससे ज्यादा कितना भी, तो ये कंडीशन, इसमें इनइक्वालिटी का साइन इस तरीके का आ जाएगा। इसी तरीके से 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 11 और x कॉमा y ग्रेटर इक्वल टू 0, इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे हमने पहले वाली एक्सरसाइज में करा था, हम अब उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या है, यहाँ पर हमें अलजेब्रा का ध्यान रखना है, किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अब जो है हम, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, ये कंडीशन है हमारे पास आ गई है, अब इनको कैसे करेंगे तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, बाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, हम कंडीशन ले लेंगे। अब इसमें x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0 देख कर 2 पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एक्सेस में उन पॉइंट को डिनोट करने में क्या होगी, आसानी होगी, जो बीच में कार्टिजन में जो है, हमें प्लेन में जो कार्टिजन प्लेन है उसमें ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा, हम यहाँ पे पॉइंट ए आ गया, 0 रखा मैंने x, तो y आ जाएगा 2, है ना। इसी तरीके से y 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा 8/3, है ना। फिर बाई 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है, इसमें हमने रखेंगे तो कितना आएगा 0,11/2 बन जाएगा यहाँ से x 0 रखने पर, और दूसरा आएगा 11/5,0, ठीक है, एक को पॉइंट सी मान लिया और एक को पॉइंट डी मान लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो है हम कहते हैं जो है सॉल्विंग इक्वेशन, है ना, जो सॉल्विंग इक्वेशन हम ये कर देंगे 1 और इसे 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, हमने उसको मान लिया ई, और इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू तो उतनी बड़ी है नहीं,
तो इसलिए क्या करेंगे हम लगभग 5 तरीके से जो है हमारा ये यहाँ पे जो है ग्राफ बना दिया। अब इन लाइनों को एक एक करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फाइव एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू 11, ये इक्वलिटी, ये लाइन इक्वलिटी को दिखा रहा है, जो ये जो इनइक्वलिटी है वो रीजन को दिखाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद बताया था कि इसमें हम क्या रखेंगे, इस इक्वेशनों में चेक करते 0.0 है ना, तो 0.0 में 0.0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा और 8, तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो उसका जो रीजन आएगा वो किधर को आएगा, इधर साइड को। ठीक है, अब ऐसी दूसरे वाले में भी रख रहे हैं, वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो भी इधर को आ गया। और x इज ग्रेटर देन 0, y एक्सेस की x इजिकल टू 0 होती है तो x की वैल्यू इधर को बढ़ती तो इधर को आएगा रीजन, और ये y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये रीजन आ गया। तो एक प्रकार से जो हमें कॉमन एरिया मिल गया वो कौन सा आ गया, याला। इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लेंगे, है ना, ये आ गया हमारे पास, और ये, तो ये अनबाउंडेड रीजन है। तो जो इसमें अगर मिनिमम वैल्यू आएगी भी है तो वो क्या होगी, वो उसकी वैल्यू हो भी सकती है और मिनिमम नहीं भी हो सकती, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है थोड़ा सा, है ना। तो इसमें क्या होगा, फिर हम क्या करते हैं, इसमें कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। ये हमारे जो है टेबल ड्रॉ हो गई है ना। अब ये जो वैल्यू है हम इसमें क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारी लाइन आ गई, है ना। हम लास्ट में लिख सकते हैं एज द फिजिबल रीजन इन अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, देयरफॉर 160 में और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, इसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हमें क्लोज फिगर नहीं होता। लेकिन बाई ग्राफ वी चेक जो है हम इसमें से कर रहे हैं, और जो होगा वो कहेगा दिया देयरफॉर या हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 160 एट क्या होगा, जो 160 होगा है ना, एट द जो होगा एट लाइन सेगमेंट, जो उसमें पहले भी बताया था, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, है ना, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, कौन से थे, ये दो पॉइंट थे, इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या करेंगे, इसके मिनिमम वैल्यू आएगी उसमें। तो ये आ जाएगा 2.1/2 एंड 8/3.0। ठीक है, एक्स और वाई जो होगी वो क्या होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से 8/3 के बीच में होगी, और 8 1/2 0 उससे 0, उसी हिसाब से जो लाइन सेगमेंट में जो हमें पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंटों पे हम जो है मिनिमम वैल्यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो होगा हम वहाँ पे आंसर आ जाएगा।